नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे धर्म और आध्यात्मिक नगरी काशी से क्राउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बनारस के राजेंद्र प्रसाद घाट पर, जहां प्रति महिलाएं अपने पूरे परिवार के साथ डूबते सूरज को अर्घ दे रही हैं। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पूजा का महापर्व मनाया जाता है। आप देख सकते हैं माँ गंगा के पूरे जल में ये महिलाएं डूब चुकी हैं और डूबते सूरज को ये अर्घ दे रही हैं। ये आस्था का पर्व है, सूर्य षष्ठी का महापर्व है। क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि दशाश्वमेध घाट से लेकर राजेंद्र प्रसाद घाट पर तिल रखने की जगह नहीं है। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पूजा का यह महापर्व मनाया जा रहा है। वैसे तो आस्था और पवित्रता के इस महापर्व को बिहार का राजकीय पर्व है, लेकिन पिछले लगभग दो दशक से सूर्योपासना का यह महापर्व उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्व हो गया है। छठ पर्व को सफल संपन्न कराने के लिए ये एनडीआरएफ के जवान भी तैनात हैं। इतिहासकारों की माने तो बनारस में 11वीं शताब्दी में ही गढ़वाल वंश के राजाओं ने छठ पूजा की शुरुआत किया था। बताते चले कि गढ़वाल वंश से पहले सूर्य की पूजा भारत में ऋग्वेद काल में हो रही थी। ऋग्वेद में सूर्य की पूजा माँ के रूप में की जाती है, वहीं 9वीं शताब्दी में छठ पूजा का छिटपुट उल्लेख मिलता है। काशी खंड के अनुसार बनारस में बाद में छठ पूजा का चलन देश में पड़ा। पानी में आधे कमर तक उतरकर आयुर्वेदिक पद्धति से विज्ञान और व्रत का पालन करते हुए इस पूजा की विधिवत शुरुआत गढ़वाल वंशज के राजाओं ने यहीं से किया। इसके बाद छठ पूजा का यह पर्व उत्तर प्रदेश और बिहार का सबसे बड़ा महापर्व हो गया। आप देख सकते हैं माँ गंगा की बीच मझधार में भी एनडीआरएफ के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। गंगा की बीच धारा में डमरू दल छठ पूजा का स्वागत कर रहे हैं। ये डमरुओं का निनाद है, ये शिव की नगरी काशी है। इस अलौकिक नजारे को लोग अपने मोबाइल कैमरे में भी कैद करने में जुटे हैं। बस अब थोड़ी देर में भगवान सूर्य अस्त होने वाले हैं और उसके बाद सूर्य को अर्घ देने की परंपरा शुरू हो जाएगी। छठ महापर्व वास्तव में सूर्योपासना का महापर्व है, इसीलिए इसे सूर्य षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। छठ महापर्व प्रकृति और मानवता के बीच संबंध को दर्शाता भी है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य की आराधना से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा में सूर्य देवता का सबसे बड़ा महत्व है, तभी तो व्रती महिलाएं पहले दिन डूबते सूरज को अर्घ देती हैं और दूसरे दिन उगते सूरज को। अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। परिवारजन सूप में पूजन सामग्री लिए हुए महिलाओं को अपने जल पात्र से जल अर्पण कर रहे हैं। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि ये वाराणसी का दशाश्वमेध घाट है, जहां प्रति महिलाएं सूर्य को अर्घ देने का इंतजार कर रही हैं और पूरे घाट पर एक एक चप्पा चप्पा कोना कोना पूरा
ठसा ठस भरा हुआ है। ये आस्था का पर्व है, धर्म का पर्व है, और ये धर्म की नगरी काशी है, जहां से हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं डाला छठ के इस महापर्व की। जहां भी आप नजर डालेंगे केवल व्रती महिलाएं ही दिखेंगी। छठ का पर्व ऐसा पर्व है जहां ऊंच नीच का पूरा भेदभाव मिट जाता है, सभी बराबर हैं और सभी एक साथ माँ गंगा के तट पर डूबते सूरज को अर्घ देने में जुटे हुए हैं। सुहाग का प्रतीक ये सिंदूर आप देख सकते हैं, महिलाएं काफी लंबा सिंदूर आज लगाकर आई हैं इस घाट पर। आस्था के स्पर पर बनारस का पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद है। इस वक्त हमारे साथ है एडिशनल सीपी संतोष कुमार सिंह। आइए जानते हैं किस प्रकार की तैयारी है छठ पूजा को लेकर के। देखिए, छठ पूजा को लेकर के हम लोगों ने काफी दिनों से तैयारी कर रखी थी। दुर्भाग्यवश इस वर्ष गंगा जी का जल स्तर आम वर्षों की तुलना में बहुत ऊपर है। गंगा के घाट अभी भी काफी पानी से भरे हुए हैं, तो ऐसे में घाट के किनारे बैरिकेडिंग की व्यवस्था कराना और भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक घाट पर पुलिस सहायता केंद्र की स्थापना, खोया पाया केंद्र की स्थापना, महिलाओं के साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार न हो, इसलिए महिला एंटी रोमियो स्क्वाड टीम का गठन और सादे में महिला पुलिसकर्मियों की और पुरुष पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा के लोगों को ये अवसर फैसिलिएट कराया गया है कि लोग अपनी आस्था और निष्ठा के साथ अपने पर्व का आनंद भी ले सकें और अपनी श्रद्धा के अनुरूप पूजन भी कर सकें। सूर्य षष्ठी के महापर्व पर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से आपका क्या संदेश है? मैं बनारस कमिश्नरेट पुलिस की ओर से आए हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं, सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि इस लोक मंगल की कामना को लेकर के छठ का पर्व मनाया जाता है, वो लोगों के जीवन में मंगलकारी हो और सुखी। अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ देने का आज दिन है, तो निश्चित तौर पर ये एक अलग प्रकार का भी संदेश देता है कि हर अस्त होने वाली चीज़ का उदय भी होता है, एक आशा की किरण भी जगाता है। तो लोगों के जीवन में जो किन्हीं कारणों से हताश और निराश हैं, वो इस विश्वास को रखें कि अस्त होता हुआ सूरज संदेश दे के जा रहा है कि सुबह फिर आऊँगा। कि अब हम लोग पुलिस के बोट पर सवार हो चुके हैं और देखते हैं कि कैसा है हर घाटों पर डाला छठ का नजारा। हमारे साथ पुलिस के जवान काफी मुस्तैद है, सभी लोग सुरक्षा जैकेट पहन चुके हैं ताकि किसी प्रकार का कोई हादसा न हो। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं इस बार छठ पूजा पर। महाश्मशान है जहां एक तरफ जहां लोक कामना के लिए लोग छठ पूजा कर रहे हैं, वहीं स्वर्ग की आस लगाए लोग यहां पर अंतिम यात्रा पर आ चुके हैं। मणिकर्णिका घाट है, इस घाट पर भी प्रति महिलाओं की भारी भीड़ जमा है।
और हम अब आगे सीधे सिंधिया घाट की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ थोड़ी कम भीड़ नजर आ रही है। सबसे ज्यादा भीड़ आपको दशाश्वमेध राजेंद्रनाथ घाट और उसके आसपास के घाटों पर देखने को मिली है। गंगामल घाट पर आतिशबाजी का नजारा हो रहा है। ये पंचगंगा घाट आने वाला है और यहाँ पे आप देख सकते हैं घाटों पर थोड़ी कम भीड़ नजर आ रही है। इस नाव पर आप देख सकते हैं एक महिला बैलून उड़ाने का प्रयास कर रही है। ये खुशी का अपना अलग तरीका है। गाय घाट हम लोग पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं इस घाट पर प्रति महिलाओं की काफी भीड़ है। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि आस्था के पर्व में हजारों की संख्या में लोग आज गंगा के तट पर आए हुए हैं। ये लोक पर्व लिहाजा लोक गीतों को बजाने का चलन है। प्रहलाद घाट पर सैकड़ों की संख्या में प्रति महिला नजर आ रही हैं। राजघाट पर भी काफी हलचल है। रविदास घाट का नजारा देखिए, यहाँ भी हजारों की संख्या में प्रति महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ दे रही हैं। घाट की सीढ़ियों से लेके गंगा की धारा में महिलाएं आस्था के इस महापर्व पर आस्था की डुबकी लगा रही हैं। अब गंगा के उस पार हम लोग बढ़ रहे हैं और उस पार का नजारा भी आप देख सकते हैं। काफी भीड़ है उस घाट पर। थोड़ा शॉर्ट थोड़ा लंबा है लिहाजा कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यहाँ भी काफी तादाद में लोग डूबते सूर्य को अर्घ देने आए हैं। राजघाट के उस पार हम पहुंच चुके हैं। गंगा के उस पार काफी हलचल है, काफी चहल पहल है और हम लोग क्लाउड टाइम्स के माध्यम से हम आपको इस पार का भी नजारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गंगा के उस पार भी काफी हलचल है। डूबते सूरज को अर्घ देने के लिए प्रति महिलाएं यहाँ भी घंटों इंतजार कर रही हैं। यहाँ थोड़ी मिट्टी है लिहाजा उतना साफ पानी नहीं है, लेकिन फिर भी आस्था का पर्व तो मनाना ही है ना। पेट्रोलिंग नाव से लगातार वन विस्तारक यंत्र से लोगों को सजग रहने का चेतावनी दी। पुलिस की पेट्रोलिंग नाव पर सवार पुलिस के अधिकारी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि गहरे पानी में लोग जाने से बचे। बजने वाले हैं। घाटों से भीड़ लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन गंगा की धारा में जो लाइटों का प्रतिबिंब दिख रहा है वो काफी मनोरम है। अभी तक आप दिन का नजारा देख रहे थे, अब छठ पर्व पर रात का नजारा देखिए किस तरह से विद्युत लाइटों को घाटों पर सजाया गया है और उसका प्रतिबिंब जो गंगा की निर्मल धारा में प्रतिबिंबित हो रहा है वो काफी अद्भुत है और अलौकिक है। ये तीनों लोकों से न्यारी काशी है।
माँ गंगा से होते हुए ये काशी विश्वनाथ धाम जाने का मुख्य द्वार है। शाम को 6 बजने वाले हैं और आप देख सकते हैं घाट पर अभी व्रती महिलाओं की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। सूर्य को अर्घ देने का समय समाप्त हो चुका है, लेकिन राजेंद्रप्रसाद घाट और दशाश्वमेध घाट पर भारी भीड़ जमा है। कुछ महिलाएं बैठी आई, इनसे पूछते हैं कि आखिर ये यहाँ बैठी क्यों जब इनकी पूजा हो चुकी है। हम इसलिए आए हैं कि व्रत है, ऑटो टेम्पो आने नहीं दे रहा है घाट पर, और भाड़ा ज्यादा लगता है, जगह भी छेका जाता है, अपने सुविधा के लिए घाट पर ही रहते हैं। हमको मामूरगंज से आए हैं, यहाँ पर छठ माई के लगे आए हैं पूजा करने के लिए। हम रात को रहेंगे यहीं पे, सुबह पूजा करके जाएंगे। छठ पूजा का ये विहंगम नजारा है, आप देख सकते हैं सूर्य को अर्घ देने का पूरा कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, लेकिन घाट पर तिल रखने की जगह नहीं है। मैंने कई व्रती महिलाओं से बातचीत किया, उनका साफ कहना था कि सुबह अगर हम आएंगे तो पुलिस के जवान हमें इन घाट पर भी नहीं आने देंगे और दूसरे जो जगह उनके लिए आरक्षित है वो जगह भी उनकी छीन ली जाएगी, लिहाजा पूरी रात इसी घाट पर ये इंतजार करेंगी और सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद ये अपने घर को प्रस्थान करेंगी। अभी तक आप सूर्य षष्ठी के महापर्व का अलौकिक नजारा देख रहे थे, लेकिन अब हम आपको कुछ ऐसे दृश्य दिखाने जा रहे हैं जो धर्म और आस्था के नाम पर शर्मनाक घटना है। आप देख सकते हैं सड़क पर खुलेआम हिंदू देवियों के रूप में लड़कियां लोगों के माथे पर तिलक लगाकर भीख मांग रही हैं और भोले भाले बच्चे तो सीधे भोलेनाथ का स्वरूप धारण कर भीख मांगने में जुटे हैं, जो तीनों लोगों से न्यारी शिव की नगरी काशी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। क्राउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्राउन टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।